दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर बस्ती है अंधेर नगरी। इक्कीसवीं सदी के भारत में भयावह है यहां की तस्वीर। ना तो बिजली पानी का इंतजाम, जैसे पहले से चला आ रहा हो वैसे ही चल रहा है, बाकी हमारे यहां सुविधा नहीं है कुछ भी, ना ही सड़क शिक्षा का नामो निशान। दलेलपुर में असुविधा का डेरा। पहले से हरियाणा से आए, यूपी से तो कोई सुविधा मिली नहीं है पहले से यूपी। बिजली तले अंधेरा। एक कहावत है दीपक तले अंधेरा, लेकिन जब आप दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के गांव दलेलपुर में जाएंगे तो कहेंगे यहां बिजली तले अंधेरा है। यह इलाका एनसीआर में आता है। केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों मिलकर इस क्षेत्र का विकास करती हैं। करोड़ों अरबों रुपए का बजट एनसीआर के लिए आवंटित किया जाता है, मगर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर देती है। दिल्ली से सटा दलेलपुर भी अनदेखी का शिकार हुआ है। जी हां, यहां सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे हैं जो नेता दशकों से लोगों से वहां की करते आए हैं। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, दूसरी तरफ कच्चे मकानों की कतार। एक तरफ चमचमाती सड़कें, दूसरी तरफ पक्के रोड का इंतजार। एक तरफ सरपट दौड़ते वाहन, दूसरी तरफ रफ्तार भरी नाव। 70 साल के आजाद भारत की ये वो तस्वीर है जो विकास के खोखले दावों की पोल खोल रही है। राजधानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 164 में बसा दलेलपुर गांव असुविधाओं की आग में झुलस रहा है। यहां लोगों को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे ही नसीब हुए हैं। आलम यह है कि यहां बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के भी लाले पड़े हैं। यहाँ पर अभी तक यहाँ के लोग वंचित हैं बिजली पानी, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, हर चीज से, जो सरकारी स्कूल से, यहाँ पर आंगनवाड़ी तक के स्कूल्स तक से लोग वंचित हैं। जब इनको नोएडा में अगर वोट करने के लिए किसी बूथ पर भी जाना पड़ता है तो ये अभी भी नाव का सहारा लेते हैं। साल 1983 तक ये गांव हरियाणा में आता था, मगर गांव की नींव पर विकास की बुनियाद रखने के लिए 83 के बाद से उत्तर प्रदेश में इसे शामिल कर दिया गया। तब से अब तक सूबे में कई सरकारें बदली, मगर गाँव के हालात नहीं बदले। शासन प्रशासन की अनदेखी के बोझ तले दबते दलेलपुर का हाल जानने के लिए हम गांव की ओर निकले तो कच्चे रास्तों ने अनदेखी के आरोपों को मजबूत कर दिया। ज्यादा टिपिकल होगा ये रास्ता, जितना कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये रास्ता है। यहां पर गाड़ियां निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। गाड़ियां तो निकलना ही, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हम इस रास्ते से पैदल नहीं आ सकते थे, और यहां पर बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। किसी तरह कार के जरिए सफर तय कर हम गांव के दूसरे छोर पर पहुंचे, जहां से हमें आगे की ओर जाना था। हमें बताया गया था कि लोग गांव से नोएडा आने जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उन्हें नाव का सहारा भी लेना पड़ता है। सरकार और प्रशासन का ध्यान इस गांव की तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि ये गांव इकलौता ऐसा गांव है यमुना नदी के पार पड़ता है। अब हम जाएंगे यमुना नदी के पार, जब लोग जाते हैं नोएडा के लिए तो वो रास्ता देखेंगे किस तरीके का वो रास्ता है जो लोग पूरा पार करके जाते हैं। आगे के सफर के लिए हमने भी नाव का इस्तेमाल किया। सफर करते हुए हमें पाषाण काल की वो कहानियां याद आ रही थी जिसमें लोग आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया करते थे।
अभी हम आप पहुंचे हैं नाव पर। यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से दलेलपुर के लोग अगर वोट करने भी जाते हैं तो उनको नाव का सहारा लेना पड़ता है। नोएडा जाने के लिए उनको यही रूट इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर रोड वाला रूट इस्तेमाल करते हैं तो उनको ज्यादा किलोमीटर्स पड़ जाते हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जब भी आप वोट करने जाते हैं तो इसी नाव से जाते हैं करने के लिए? हाँ जी, इसी नाव से जाते हैं। अगर मार्केटिंग वगैरह या कहीं अपना कोई नोएडा का निजी काम है तो इसी नाव से जाना पड़ता है हमें। अगर फरीदाबाद वाया कालंदी कुंज होकर जाएंगे तो हमें 65 से 70 किलोमीटर का रन तय करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज और पूछूंगी सर, दिखाऊंगी भी, और कि ये जो नाव है यमुना का, जो पानी इतना गंदा आता है, ये महक ज्यादा परेशान भी करती होगी निकलते वक्त। दूसरा ये है, एक चीज और बता दीजिए आप मुझे कि यहाँ पर जब आप निकलते हो तो नोएडा के लिए, तो यहाँ पर ये कोई नाव वाले यहाँ पर परमानेंट रखते हैं आप लोग या फिर? नहीं, कोई परमानेंट नहीं होता है, रस्सा बांध रखा है, रस्से के सहारे चलती है। अगर नाव हम इस साइड आ गए, नाव परली साइड है, तो परे से कोई फोन करके या आवाज मार के बंदे को बुलाएंगे, वो नाव लेके आएगा, फिर बैठ के जाएंगे। गंदे पानी होने की वजह से यहाँ मच्छर, मलेरिया, सब बीमारी, बुरे हालत, बदबू उठी रहती है। नाव की सवारी के बाद हम दलेलपुर के उस जमीन पर जा पहुंचे जो आज भी सुविधाओं के लिए बंजर पड़ी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव भले ही उत्तर प्रदेश में है, लेकिन थोड़ा बहुत जो विकास हुआ है वो हरियाणा सरकार की देन है, क्योंकि भौगोलिक रूप से ये इलाका हरियाणा के नजदीक है। यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ से ही शुरू होता है ना आपका गांव? तो आगे चल के जो मैंने रोड देखा है, ये रोड इसी तरीके के बना हुआ है। ये रोड देखिए आप, ये रोड देखिए इसी तरीके से, यही ऐसे ही रोड बना हुआ है। कब से बना हुआ ये? ये तो अभी बना है, इससे भी बदतर हालत थी इसकी। ये तो हरियाणा गवर्नमेंट बना रही है इसे बांध पे, बाकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का हमें कोई भी जो भी काम है, या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है, या आंगनबाड़ी है, या फिर पानी की सुविधा, हैंडपंप वगैरह सरकारी जो लगाते, कोई सुविधा नहीं मिली हमें। यहाँ तक रोड तक की बिजली की कोई सुविधा नहीं है, ये हरियाणा गवर्नमेंट बना रही है, रोड बना रही है। जो लोगों ने बताया कि बीते लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए गुलवाली गांव में केंद्र बनाया गया था, जहां पहुंचने के लिए लोगों को नाव से सफर करना पड़ा, जिस कारण गांव के लोग अब पलायन करने पर मजबूर हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी, आप ये गांव देखिए पीछे, ये गांव है, और यहाँ पर सिर्फ इस गांव में 3 परिवार गांव में रह गए हैं। अब यहाँ से लोग अपने जाके खेतों में रहने लगे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि रोड तक नहीं बनी है, बिजली नहीं है, पानी तक नहीं है, तो लोग अपना खुद का समर सेविल लगवा सकते हैं, वही लोग जिन जो अपने आप में कैपेबल हैं। देश में अधिकांश जगहों पर विकास न होने के कारण ही पलायन कर दिल्ली और एनसीआर में लोग आते हैं, लेकिन ये सोचने में कितना भयावह है कि जिस विकास की उम्मीद में एनसीआर का रुख करते हैं लोग, वहां भी हालात ज्यादा ठीक नहीं है। दलेलपुर में अधिकांश लोग पलायन कर चुके हैं, जो बचे हुए हैं अधिकारियों के पास उनके विकास के लिए योजनाएं बची नहीं है। शासन की लापरवाही के चलते ज्यादातर लोग गांव से पलायन कर चुके हैं, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो अभी भी सरकारी अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। अधिकारियों की कार्यशैली इस कदर गांव को अंधेरे में डुबो रही है कि खंभे तो लगा दिए गए हैं, मगर बिजली का कोई अता पता नहीं। यहाँ पर बिजली भी नहीं है, बिजली के नाम पर यहाँ पर खंभे खड़े कर दिए गए हैं, पर खंभों में इनमें लाइट का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। खंभे सिर्फ नाम मात्र ही खड़े हुए हैं। लोग यहाँ पर अगर बिजली की शिकायत करते हैं तो प्रशासन ना नुकूर करके टहलाने की बात करता है। साथ में अब हम बात करेंगे स्कूल की, विद्यालय की, जो बच्चे को मिड डे मील वगैरह की सुविधाओं से यहाँ पर अभी तक वंचित हैं, उनको ये भी नहीं पता कि स्कूल्स क्या होते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं तो उनको बाहर का रुख इख्तियार करना पड़ता है। अधिकारियों ने विकास के नाम पर गांव में जमीन पर कब्जा तो जमा लिया, स्कूल तक की जमीन शासन ने गांव में आवंटित कर ली है, मगर इनका निर्माण कब होगा किसी को कुछ पता नहीं। स्कूल की जमीन यहां पर सरकार की तरफ से आवंटित तो कर दी गई है, पर आप जमीन का हाल आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके का यहां पर हाल पड़ा हुआ है। स्कूल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये एक जमीन ही दिख रही है, स्कूल का नामो निशान नहीं दिख रहा है। यहां पर पानी की समस्या भी यहां पर इतनी ही है। लोग अपना अगर समर सेविल करा लें तो ठीक है, अपना नल खुद लगवा लें तो ठीक है, यहाँ पर लोग अपने हिसाब से अगर जो करवाना चाहें वो करवा लें, प्रशासन और सरकार इस गाँव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है।
अधिकारियों की लापरवाही सबसे ज्यादा गरीब ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। गरीब लोगों का कहना है कि सरकार की आवासीय योजनाओं का उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। यहाँ पर आप हमारे पीछे देखिए कि झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक परिवार है यहाँ पर रहता है। झोपड़ी के सामने ही वो देखिए चूल्हा है वहाँ पर, यहाँ पर ये लोग रोटियाँ बनाते हैं। अब आपको एक चीज और बता दूँ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसी जो योजनाएं आती हैं, जो उनसे ये सारे लोग रूबरू होने चाहिए। और इनकी सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि ये उन योजनाओं के नाम तक तो छोड़िए, उनके बारे में सुना तक नहीं है यहाँ के लोगों ने। गांव में कई घर ऐसे भी हैं जहां आज भी खाना पकाने के लिए गैस की जगह कच्चे चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। गैस वैस तो है ही ना हमारे। तो आपने घर वालों से मांगा नहीं कि गैस वैस दे दो, यहां पे चूल्हे पे परेशानी होती? घर वाले पैसा हो जब ही तो पैसे वैसे हो जब ही तो घर वाले गैस वैस लाएंगे और चूल्हे पे ही करते हम। जन कल्याण की योजनाओं पर सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, मगर अधिकारियों की लापरवाही इन योजनाओं को पलीता लगाती नजर आती है। दलेलपुर गांव के लोग भी अधिकारियों के इस अनदेखी के शिकार हो रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन की निगाह क्या सिर्फ वोट तक ही रह गई है? इस गांव में अलग अगर ये गांव यमुना के इस पार है तो क्या इसके बारे में हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए? जबकि हरियाणा सरकार से तो ये गांव 1983 में ही अलग हो गया था। अब यहां के लोग वोट करते हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को, पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट आज भी यहां के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जब यहां के लोगों से बात करी, गवर्नमेंट को और प्रशासन को इस गांव के बारे में जरूर सोचने की जरूरत है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं अपर्णा दीक्षित, R9 TV। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।